Hello friends, today is the lecture number 2 of the sphere. In the first lecture, we have discussed definition of the sphere and some standard forms of the sphere. ठीक है, first lecture में हम लोगों ने sphere का definition देखा और different different forms में sphere का equation कैसे निकाला जाता है वो हम लोगों ने सीखा. आज की lecture में हम लोग start करने वाले हैं plane section of a sphere. Plane section of a sphere मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये अगर आपका एक sphere है, ठीक है, और इसको एक plane से ऐसे कट किया जाए, एक ऐसे प्लेन से यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, तो जो यहाँ पे जो शेप बन के आता है ना वो सर्कल का शेप आता है. ठीक है, इस बात को हम लिख सकते हैं द सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, द सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, द सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन इज अ सर्कल, बाय अ प्लेन, बाय अ प्लेन इज अ सर्कल. ठीक है, बाय अ प्लेन इज अ सर्कल. ओके, अगर देखिए हम यहाँ पे कह दें कि ये हमारा सपोज स्फीयर का क्या है, सेंटर है, सपोज उसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, और सी से मैंने अगर इस प्लेन पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, जिसको मैं एन बोल रहा हूँ, तो एन हमारा क्या होगा, इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा. ओके, एन हमारा क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा. और सी को अगर मैं यहाँ से अगर इसे पी पॉइंट से ज्वाइन करवा दूँ तो सी पी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा. सी पी हमारा रेडियस किसका हो जाएगा, ये स्फीयर का रेडियस हो जाएगा. ठीक है, और सी एन हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, सी स्फीयर के सेंटर से हमने जो प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया है एन, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर फ्रॉम स्फीयर टू द प्लेन, टू द प्लेन, टू द प्लेन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात पढ़ लिया कि अगर स्फीयर के सेंटर से उस प्लेन पे हम लोग क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो इस सर्कल का क्या हो जाता है, सर्कल का सेंटर हो जाता है. और हमारा जो ये पीएन होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा. पीएन विल बी व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल. मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज सी पी, सी पी इज व्हाट, रेडियस ऑफ स्फीयर, सी पी इज व्हाट, रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, और जो हमारा पीएन होगा, पीएन, पीएन विल बी व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, तो अगर हमको देखिए यहां से रेडियस ऑफ सर्कल अगर हमको निकालना है, पीएन निकालना है, तो पीएन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सीपी का स्क्वायर. सीपी का मतलब स्फीयर का रेडियस तो हमको मालूम होगा ही होगा, और स्फीयर के सेंटर से हम लोग जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, प्लेन पे, प्लेन का इक्वेशन अगर हमको मालूम है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं वहां पे. तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा किसका, सर्कल का रेडियस निकालने के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा. ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं. अब देखिए अगर हम लोग एक ये सर्कल का इक्वेशन अगर लिखना चाहे ना, तो इस बात को हम लोग ऐसे समझेंगे, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आर द इक्वेशंस, आर द, आर द इक्वेशंस, आर द इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ ए स्फीयर, इक्वेशंस ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर एंड अ प्लेन टेकन टुगेदर, एंड ए प्लेन टेकन टुगेदर, एंड ए प्लेन टेकन टुगेदर. ओके, टेकन टुगेदर, इसका क्या मतलब है कि जब भी हमें क्वेश्चन में अगर उस सर्कल का कुछ इक्वेशन दिया होगा ना, तो उसके लिए हमको दो इक्वेशन दिया होगा आपको. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया होगा, सपोज स्फीयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड. ओके, प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. ओके, प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. एक तो ये आपका क्या हो गया, स्फीयर का इक्वेशन हो गया, और एक प्लेन का इक्वेशन होगा. सपोज प्लेन का इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. ओके, ऐसा तो ये जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन दिया होगा ना, कि सर्कल का इक्वेशन, तो समझ लेना कि ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन आपको दिए होंगे. ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन, इसको टेकन टुगेदर, इन दोनों को एक साथ लेके सर्कल को फॉर्म किया जा सकता है, है ना. उसका रीजन क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो सर्कल पे जो पॉइंट्स होंगे ना, जो सर्कल पे ये पॉइंट्स आएंगे
वो पॉइंट्स कॉमन होंगे, मतलब वो पॉइंट्स स्फीयर पे भी लाई करेंगे और वो पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे, प्लेन पे भी लाई करेंगे, तो वो प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और वो हमारा स्पीयर के इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आपसे ये सर्कल की बात करेगा तो वहां पे आपको एक तो स्पीयर का इक्वेशन दिया होगा और एक प्लेन का इक्वेशन दिया होगा, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेके हम लोग कहते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन हमको दिया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये चीज़ समझने लायक थी आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक न्यू हेडिंग की बात कर लेते हैं, ग्रेट सर्कल क्या होता है। कभी कभी इस पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रेट सर्कल क्या होता है, ग्रेट सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द सर्कल ऑब्टेंड बाई द सर्कल ऑब्टेंड बाई द सर्कल ऑब्टेंड बाई ओके ऑब्टेंड बाई द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, ऑब्टेंड बाई द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाई ए प्लेन, बाई ए प्लेन, बाई ए प्लेन थ्रू इट्स सेंटर, थ्रू इट्स सेंटर, थ्रू इट्स सेंटर ओके इज कॉल्ड ए ग्रेट सर्कल, इज कॉल्ड ए ग्रेट सर्कल ओके ग्रेट सर्कल। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए ग्रेट सर्कल, द सेंटर एंड रेडियस, द सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए ग्रेट सर्कल, ऑफ ए ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल आर द सेम एज व्हाट, सेम एज दोज ऑफ द स्फीयर, सेम एज दोज ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सेम एज दोज ऑफ द स्फीयर। इसका क्या मतलब है, जरा इस चीज को समझते हैं हम लोग जो है व्यवस्थित तरीके से। देखिए हम लोग का अगर एक यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक स्फीयर दिया हुआ है। अब एक प्लेन से मैंने इस स्फीयर को कट किया और प्लेन हमने ऐसे कट किया प्लेन से कि वो जो हमारा प्लेन था ना वो स्फीयर के क्या होता है, सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो जो कट के आएगा यहाँ पे, जो पोर्शन जो कट करके देखेंगे आप यहाँ पे, तो एक सर्कल तो जनरेट होता ही होता है। इस चीज को आप तो एक जनरल रिजल्ट समझ लीजिए कि एक स्फीयर को अगर हम एक प्लेन से कट करते हैं तो जो प्लेन का सेक्शन आता है, मतलब कट करने से जो भाग दिखता है आपको, वो क्या बनता है कि एक सर्कल बनता है। अब सर्कल अगर यहाँ से मैं कट करूंगा तो उसको हम लोग, यहाँ अगर हम लोग सर्कल एक कट करेंगे, इस प्लेन से कट करेंगे जो सर्कल बनेगा, तो उसको हम लोग ग्रेट सर्कल नहीं बोलेंगे। लेकिन जो प्लेन हमारा अगर सर्कल वो स्फीयर के सेंटर से पास होगा तो उसमें जो सर्कल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। तो देखिए यही सर्कल का जो ये पॉइंट सी है, यही सर्कल का भी सेंटर हो जाता है और यही स्फीयर का भी सेंटर था, और ये जो रेडियस आर है ना, ये रेडियस आर यही हमारा स्फीयर का भी सेंटर हो जाएगा और यही हमारा सर्कल का भी सेंटर हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट सर्कल। तो अगर प्लेन हमारा स्फीयर के सेंटर से पास होता है तो उस समय जो सर्कल बनता है उसको हम लोग ग्रेट सर्कल बोलते हैं। तो ग्रेट सर्कल का सेंटर और रेडियस स्फीयर के सेंटर और रेडियस के क्या होता है, कॉइंसाइड होता है, मतलब दोनों का सेंटर सेम होता है और दोनों के रेडियस भी इक्वल होते हैं। ओके अब देखिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्स जेड माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो कॉमा थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 46। देखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक स्फीयर का इक्वेशन और उसके साथ साथ एक प्लेन का इक्वेशन लिखा हो तो ये दोनों इक्वेशन कंबाइंड रूप में क्या शो करते हैं, एक सर्कल के इक्वेशन को शो करते हैं। तो कहा जा रहा है कि उस सर्कल का सेंटर भी निकालिए और उसका क्या निकालिए, रेडियस भी निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग विधिवत समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक फिगर में बनाऊंगा, तो ये स्फीयर का हमने एक फिगर बना लिया और यहाँ पे एक प्लेन से मैंने इसको कट किया स्फीयर को, तो एक यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा सर्कल बन जाता है, ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। और ये हमारा स्फीयर सी जो हमारा है वो स्फीयर का क्या है, सेंटर है। सी से हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने सी एन नाम दिया, और सी से हमने यहाँ से पी को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, ये हमने पी को ज्वाइन करवा दिया। ये जो पी एन हमारा होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, ओके।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सबसे पहले सेंटर निकालते हैं। किसका सेंटर निकालेंगे हम लोग? इस स्फीयर का सेंटर निकाल लेते हैं। स्फीयर के सेंटर के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्फीयर का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। आपने उस लेक्चर को नहीं देखा, सबसे पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग यू की बात करें तो यू हमारा क्या होता है, एक्स के कोफिशियंट का हाफ होता है, जो कि कितना होगा, माइनस वन। तो माइनस यू हमारा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो माइनस बी होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस टू। और माइनस डब्ल्यू की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। मीन्स ये जो स्फीयर है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। उससे कंपेयर करके जो वैल्यूज को हमने लिखा तो सेंटर हमको मिल जाएगा, ठीक है। रेडियस के फॉर्मूले की बात करें तो रेडियस जो स्फीयर का होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को रखें, डी की वैल्यू -50 है ना, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, -50 है। और यू भी डब्ल्यू आपको पता लगी गया है। इस वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना मिलने वाला हमको, ये मिल जाएगा वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फिर थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, -50। तो ये हमको मिल जाएगा टोटल, सॉरी माइनस माइनस +50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमको मिल जाएगा 50 और 9 63 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके। तो अगर हम लोग बात करें ये जो सीपी डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया, 8 हो गया। सीपी डिस्टेंस हो गया, सीपी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीपी डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया, ओके। और सेंटर आपको पता लगी गया है, सेंटर कितना हो गया, वन कामा माइनस टू कामा थ्री। अब देखिए वन कामा ये जो उसका स्फीयर का क्या था, सेंटर था वन कामा माइनस टू कामा थ्री। यहां से हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, उस प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उस प्लेन का इक्वेशन हमको मालूम है, उस प्लेन का इक्वेशन कितना है, प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस 6y प्लस 2z -46 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए परपेंडिकुलर आपको 3D में मैंने पढ़ाया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम निकालना चाहें CN तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 इंटू एक्स जहाँ कितना पुट करेंगे, 1 प्लस 6 टाइम्स वाई के जहाँ क्या पुट करेंगे, -2 और प्लस 2 टाइम्स जेड, जेड के जहाँ पुट करेंगे 3 -46 अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमको मॉडुलस में कितना मिलने वाला है, 3 माइनस कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 6 और यहां से कितना हो जाएगा -46, ओके। और डिवाइडेड बाई यहां पे नीचे तो कितना मिलने वाला हमको, 7 मिलने वाला है, ठीक है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 9 9 -12 कितना हो जाएगा, -3 और -46 -49। तो मॉडुलस के बाहर आ जाएगा 49 49 बाई 7 कुल मिला के कितना हो जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 क्या आ गया हमारा, 7 आ गया सी एन की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। सी एन की डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 हो गई। अब देखिए पी एन हम लोग निकाल सकते हैं, पी एन हमारा क्या है, सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो पी एन के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाने वाले हैं, पी एन इज इक्वल टू, पी एन क्या है, सर्कल का रेडियस है जो कि हमको फाइंड करना है। पी एन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में सी पी का स्क्वायर, अंडर रूट में सी पी का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे, सी एन का स्क्वायर। तो सी पी का स्क्वायर हमारे पास कितना है, यहाँ पे सी पी का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में 64 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 15, ये आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक पार्ट तो आपने कर लिया, रेडियस ऑफ द सर्कल तो आपने निकाल लिया। अभी भी एक चीज आपसे पूछा जा रहा है, इसका सेंटर क्या होगा, ठीक है। इसका सेंटर कौन है, जो हम लोग सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये जो एन आया है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको इस प्लेन, ये जो सी एन हमारा है ना, ये इस प्लेन का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल का डायरेक्ट मतलब सी एन का डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता है, इस लाइन का इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ, सी एन लाइन का इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ। अब याद करिए कि लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। 3D वाले चैप्टर्स में जो स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया था वहाँ पे आपको बताया था, जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, उस लाइन के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पे लाइन कौन है, ये सी एन लाइन, तो हमारा प्लेन का क्या है, नॉर्मल है। और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 3 है 6 है और कितने हैं 2 है। ए बी सी की वैल्यू तो कितनी होगी, 3 6 और 2 हो जाएगी, ठीक है। नीचे मैं इसको लिख देता हूँ 3 और यहाँ पर लिख देता हूँ 6 और यहाँ पर लिख देता हूँ 2, ठीक। और x माइनस पॉइंट कौन से मिल जाएंगे, सेंटर वाला पॉइंट, उस लाइन पे एक पॉइंट भी मुझे पता है ना, पॉइंट कौन है, 1 कामा माइनस टू कामा थ्री, 1 कामा माइनस टू कामा थ्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस टू का मतलब प्लस टू और 3 का मतलब जेड माइनस थ्री। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये कौन से लाइन का इक्वेशन आ गया हमारा, इक्वेशन ऑफ द लाइन सी एन, इक्वेशन ऑफ द लाइन सी एन,
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन सी एन, इक्वेशन ऑफ सी एन हम निकाल रहे हैं, तो ये मिल गया एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस टू वाई सिक्स इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू, मैं सपोज इसको सपोज कर लेता हूँ इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, थ्री लैम्डा प्लस वन, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स लैम्डा माइनस टू, और हमारा जो जेड की वैल्यू हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, टू लैम्डा प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये एक्स वाई जेड कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, हम एक्स वाई जेड किसको बोल रहे हैं, एन को बोल रहे हैं, है ना, पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स में कितना बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तो हमारा कहाँ पर लाई करेगा, प्लेन पे भी लाई करेगा, ठीक है, तो प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हम लिखेंगे सिंस एक्स वाई जेड, सिंस एक्स वाई जेड लाइज ऑन प्लेन, कौन सा प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन हमारा क्या था, तो प्लेन का हमारा इक्वेशन था थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई, थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 46। ठीक है, इसमें ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज को जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिलेगा, थ्री एक्स का मतलब कितना हो जाएगा नाइन लैम्डा प्लस थ्री, और सिक्स वाई कितना हो जाएगा 36 लैम्डा माइनस 12, और टू जेड की बात करें तो कितना हो जाएगा फोर लैम्डा प्लस सिक्स इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, वन। अब लैम्डा की वैल्यू ये एक्स वाई जेड में अगर हम लोग पुट करेंगे तो उसका सेंटर हमको आ जाएगा, सर्कल का सेंटर आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज एन इज इक्वल टू कितना होने वाला, लैम्डा इज इक्वल टू वन पुट करेंगे कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और वाई में लैम्डा इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो सिक्स माइनस टू कितना आ जाएगा, फोर हो जाएगा, जेड में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू प्लस थ्री हमारा फाइव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका सर्कल का क्या निकाल लिया, सेंटर और हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। तो फिर से इस कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल कर देता हूँ, देखिए सबसे पहले स्फीयर का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्फीयर का सेंटर फाइंड कर लेंगे, स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और इसका सेंटर हो जाएगा, तो और सेंटर से हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो जो सी एन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, सी एन मालूम होने से, सी पी मालूम होने से पी एन मालूम हो जाएगा, पी एन हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इस सी एन लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि सी एक पॉइंट इसमें मालूम है इस लाइन पे, और दूसरी चीज़ ये है कि सी एन हमारा क्या है, उस प्लेन का नॉर्मल है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमको प्लेन से मिल जाएंगे, तो सी एन लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। उस सी एन लाइन पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम लोग चूज करें तो उस पॉइंट को हम लोग एन लिखेंगे, तो एन हमारा लैम्डा के टर्म में आएगा, और एन पॉइंट प्लेन पे लाई करता है तो प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसमें पुट करने से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम लोग एन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होता है, सपोज ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, और ये कोई प्लेन है जो अगर इसका टेंजेंट बन रहा है, सपोज ये इसका क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर हम यहाँ से सेंटर से, सर स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन पे क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो स्फीयर के रेडियस के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये सी एन हमने अगर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ से, स्फीयर के सेंटर से, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, स्फीयर के रेडियस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अ प्लेन इज अ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जैसे अगर आपको एक स्फीयर का इक्वेशन दे दिया जाए, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, सपोज ये आपको एक स्पीयर का इक्वेशन दे दिया जाए और इसके एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, मैं इस बात को लिखता हूँ, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू स्फीयर वन, इसको मैं वन कर देता हूँ, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर वन एट द पॉइंट, सपोज वो पॉइंट मैं लेता हूँ एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन पे अगर आपको क्या लिखना है, टेंजेंट का आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है स्फीयर का, मान लिया ये स्फीयर है, इसके एक्स वन वाई वन जेड वन, ये पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन है, और यहाँ पे आपको किसका इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो जैसे सर्कल के इक्वेशन में लिखा करते थे ना, मान लीजिए मैं स्फीयर के इक्वेशन को यस से डिनोट कर देता हूँ, तो इसका जो टेंजेंट प्लेन होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर देंगे, वाई स्क्वायर को हम लोग वाई वाई वन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और प्लस हमारा जो एक्स होता है ना, देखिए यहाँ पर मैं टेक्निक बता देता हूँ लिखने का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स एक्स वन से, जहाँ पे वाई स्क्वायर है वहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, वाई वाई वन, जहाँ पे हमारा एक्स होगा वहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस
एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और जहाँ पे हमारा वाई होगा उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई प्लस वाई वन बाई टू। ये सर्कल के चैप्टर में भी जब आपको पढ़ाया जाता है कि टेंजेंट का कैसे इक्वेशन लिखते हैं, इसी तरीके से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को हमने एक्स एक्स वन कर दिया, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन कर दिया, जेड स्क्वायर को जेड जेड वन कर देंगे, और एक्स यहाँ पर जब एक्स प्लस एक्स वन बाई टू रखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, यू टाइम्स क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस एक्स वन प्लस वी टाइम्स ये कितना मिल जाएगा, वाई प्लस वाई वन प्लस प्लस डब्लू टाइम से कितना मिल जाएगा, जेड प्लस जेड वन मिल जाएगा, और कितना हो जाएगा, प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन पे टेंजेंट प्लेन का ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी आगे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्स जेड प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो विच आर पैरेलल टू द प्लेन एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस स्फीयर के लिए जो है आपको क्या लिखना है, इस स्फीयर के लिए आपको एक टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना है, मान लिया कि जो इस टेंजेंट प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, इस टेंजेंट प्लेन के पैरेलल, मान लिया कि जो है ये टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ये टेंजेंट प्लेन है, तो यही आपको लिखना है, इस टेंजेंट प्लेन का आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन है वो इस प्लेन के क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, एनी इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन हमारा कौन सा गिवन है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो इज, देखिए किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन जब आपको लिखना होता है तो उसमें एक कांस्टेंट हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब एक्स माइनस वाई प्लस जेड और प्लस मैं यहाँ पर लैम्डा लगा देता हूँ, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें लैम्डा की वैल्यू खोजनी है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू खोजनी है हमको, लैम्डा कैसे क्या वैल्यू हो कि वो वाला प्लेन इस गिवन प्लेन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और दूसरी बात यह है कि उस स्फीयर के लिए किसका काम करे, टेंजेंट प्लेन का काम करे। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें इस स्फीयर का, चलिए हम लोग सेंटर निकालते हैं, इस स्पीयर का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं। इस स्पीयर के सेंटर की बात करें, इसका इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो यहाँ पे माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू होता है, ये कितना हो जाएगा, वन कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री। यहाँ से निकाल लेंगे आप 1, -2, 3। पिछले लेक्चर में मैंने सेंटर और रेडियस निकालना सिखाया था, इस स्पीयर का रेडियस 1, -2, 3 हो जाएगा, और जो रेडियस की अगर हम लोग बात करें, इसका जो रेडियस हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट्स सेंटर विल बी, सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी व्हाट, 1, -2, 3 एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर आपका हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है फार्मूला। ठीक है, इसमें वैल्यूज को अगर हम लोग रखें तो हमको क्या मिल जाना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस डी कॉन्स्टेंट हमारा है 13, तो माइनस 13 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 1। स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए अगर ये जो हमारा प्लेन 1 है, ये जो प्लेन 1 है, अगर ये टेंजेंट प्लेन है तो निश्चित रूप से स्फीयर के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो रेडियस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करने जा रहा हूँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पे 1, इसमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक्स जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, वाई की जगह माइनस टू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, जेड की जगह 3 रखेंगे प्लस लैम्डा टाइम्स, प्लस लैम्डा हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, रेडियस हमारा कितना है, 1 है, अभी आपने जस्ट निकाला। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना ये ऊपर है 6 प्लस लैम्डा, मॉडुलस में 6 प्लस लैम्डा, नीचे कितना है डिवाइडेड बाई रूट 3 इज इक्वल टू 1। ये जब मॉडुलस का ओपन करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लैम्डा की वैल्यू कितनी बता सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और प्लस लैम्डा कहा गया है, तो प्लस लैम्डा हमारा कितना है, -6 प्लस माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो -6 प्लस माइनस रूट 3 के साथ देखिए ए ऑप्शन में है ना, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और प्लस माइनस 6 प्लस माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए प्लेन टू ए स्फीयर। ठीक है, इसमें क्या है, अ प्लेन टचेज अ गिवन स्फीयर इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको जस्ट बताया था अभी कि अगर मान लिया कि ये हमारा स्फीयर है और ये हमारा टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन इसको क्या करता है, टच करता है, तो अगर हम लोग यहाँ से स्फीयर के सेंटर से इस पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो स्फीयर के रेडियस के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ रेडीमेड फार्मूला हम लोग तैयार कर लेते हैं। कंडीशन दैट द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी टचेज द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज वॉट। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एल इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए बहुत ही आसान है, अगर हम लोग इस स्फीयर के सेंटर की बात करें तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो कितना होता है, जीरो कामा जीरो कामा जीरो होता है। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, जीरो कामा जीरो कामा जीरो, और इसका रेडियस कितना होता है, रेडियस तुम्हारा आर ही होता है। ठीक है, तो जीरो कामा जीरो कामा जीरो से अगर इस प्लेन पे हम लोग क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू, तो मॉडुलस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस प्लेन पे हम लोग जीरो कामा जीरो कामा जीरो से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक्स जगह जीरो रख दिया, वाई की जगह जीरो रख दिया, जेड की जगह जीरो रख दिया, फिर माइनस पी हो गया और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा, पी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास कितना मिलने वाला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही से देखिए कंडीशन आ जाती है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को आप याद भी रख सकते हैं या डायरेक्ट जो है डेरिवेशन भी याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसी पे बेस्ड है, अगर आप डायरेक्ट वो फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। इस स्फीयर का जो सेंटर कितना है, जीरो जीरो कहा जा रहा है, स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन टचेज द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए रूट थ्री देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वाट। तो कंपेयर अगर करिए, ठीक है, कंपेयर करिए या तो डायरेक्ट जो मैंने डेरिवेशन करवा वो वहां से भी आप कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो कितना है, जीरो कामा जीरो कामा जीरो है, और जो इसका रेडियस है वो कितना है, थ्री है, रेडियस हमारा कितना है, थ्री है। तो अब जीरो कामा जीरो कामा जीरो से इस प्लेन पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इस प्लेन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थ्री इज इक्वल टू, चलिए तो कितना आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस कितना हो जाएगा, ए रूट थ्री, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, मैं डेरिवेशन के थ्रू ही कर रहा हूँ, आप चाहे तो वो जो फार्मूला मैंने ड्राइव करवा उसमें वैल्यूज भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना मिल जाएगा, थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल गया, माइनस ए रूट थ्री, और नीचे हमारे पास कितना हो गया, नीचे आ गया रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री से हमारा कट जाएगा और माइनस एक जब मॉडुलस से बाहर आएगा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारी जो ए की वैल्यू मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, थ्री हो गया, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थ्री दिया है तो थ्री हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कहा है क्वेश्चन ये है कि इफ द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो टचेज द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज वॉट। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जैसे स्फीयर है और ये टेंजेंट प्लेन इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट प्लेन इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए, सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं, इस स्फीयर का सेंटर। तो इस स्फीयर का सेंटर कितना, स्फीयर का सेंटर का फार्मूला मैंने आपको बताया था, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, तो वहां से इसका जो सेंटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वन टू, यहाँ से आ जाएगा वन कामा टू कामा माइनस वन। ठीक है, वन कामा टू कामा माइनस वन, इसको मैं सी बोल देता हूँ, और सपोज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं क्या बोल देता हूँ, ए बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या हम लोग इस सी ए लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए। ठीक है, तो जो सी ए हमारा है वो प्लेन के लिए किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ऊपर मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इस तरीके से लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है, जहाँ पे हमारा जो ए बी सी है
वो इस लाइन के क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज, और ये लाइन क्या है हमारा, ये प्लेन का क्या है नॉर्मल है, तो प्लेन का जो इक्वेशन है ना वहाँ से नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। देखिए ये जो प्लेन का इक्वेशन है इसमें जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, 2, -2, 1, ठीक है। तो ये हमारा किसका काम करेगा, ए बी सी का काम करेगा, और एक पॉइंट तो आपको पता ही है 1, 2, -1, तो सीए लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x -1 -2 इज इक्वल टू z+1 कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको k के बराबर लिख लेता हूँ, सपोज दिस इज इक्वल टू k सपोज कर लेता हूँ, तो इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k+1 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2k+2 हो जाएगा, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k-1 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को मैं एक्स वाई जेड बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्स वाई जेड है, सेंस एक्स वाई जेड इज सेंस एक्स कामा वाई कामा जेड लाइज ऑन प्लेन वन, लाइज ऑन प्लेन, कौन सा प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या था हमारा, प्लेन का इक्वेशन था 2x-2y, ठीक है, 2x-2y +z+12 = 0। तो इस प्लेन पे जो है एक्स वाई जेड लाई करता है, इसका मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट इसके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो 2x लिखना है तो कितना हो जाएगा, 4k प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -2y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2y लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 4k-4 और +z+12 लिखना है तो k-1 + 12 = कितना मिलने वाला, 0। इसमें हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू जो ऊपर है ना, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू उसको इसमें हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 9k+9 = 0। यहाँ से जो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, k -1, ठीक, k -1, ये जो एक्स वाई जेड आया है इसमें हम चलिए पुट कर देंगे तो हमको जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हमने फिगर में किससे दिखाया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ए से दिखाया है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, के की वैल्यू -1 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक्स में, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। फिर -1 रखेंगे y की वैल्यू, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और z में k = -1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिल जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा -1, -4, -2, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टचिंग स्फीयर्स, ठीक है। टचिंग स्फीयर्स का मतलब ये होता है, सपोज ये हमारे पास दो स्फीयर्स हैं जिसका पहले का सेंटर कितना C1, दूसरे का सेंटर C2 है, पहले का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है। इफ दीज टू स्फीयर्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब बाहर से एक पॉइंट पर क्या करते हैं, टच करते हैं। इसके लिए देख कंडीशन क्या होती है कि अगर इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालें C1 C2 और इनके रेडियस को अगर हम लोग ऐड कर दें R1 और +R2 कर दें, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, फिगर से भी आपको देख के लग रहा होगा कि जो C1 C2 डिस्टेंस है, मैं दूसरे कलर से यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए जो C1 C2 जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, हमको सेंटर पता होगा तो C1 C2 डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और रेडियस दोनों का स्फीयर का हमको पता ही होगा। अगर ये C1 C2 का डिस्टेंस R1 + R2 के बराबर आ गया तो हम कहते हैं कि ये दोनों स्फीयर आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, है ना, एक्सटर्नली टच करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो इंटरनल, देखिए अब यहाँ पे भी हमने दो स्फीयर ले रखा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर दूसरे के अंदर जो है इंस्क्राइब्ड है, तो ये इंटरनली कहते हैं कि इंटरनली एक दूसरे को कब टच करेंगे, जब हमारा C1 C2 होगा, जो C1 C2 हमारा होगा वो क्या होगा, मतलब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो, मतलब R1 - R2 के क्या हो, बराबर हो। जहाँ पे मैंने सपोज R1 मैंने फिगर के हिसाब से R1 को R2 से बड़ा दिखाया है, तो डिफरेंस क्या होगा, R1 - R2, मतलब C1 C2 जो डिस्टेंस है अगर वो R1 - R2 के बराबर आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों स्पीयर इंटरनली एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। देखिए यही पे हमने लिख रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, टू स्पीयर्स टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इंपॉर्टेंट है, एक इंटरनली टच करता है दूसरा एक्सटर्नली टच करता है, टू स्पीयर्स टच एक्सटर्नली इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई, बट दे टच इंटरनली, वो इंटरनली कब टच करेंगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई, ठीक है। तो ये दो छोटी छोटी बातें हैं, इस पर भी आगे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स,
ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स। तो क्या होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स, समझते हैं जरा ध्यान से। यहाँ पे ये सपोज हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर ये है और ये दूसरा स्फीयर ये है, एक दूसरे को मान लो ये मान लिया कि ये कट करते हैं, सपोज ये इस पॉइंट पे कट करते हैं, मान लिया पी और क्यू पे कट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट पे इस वाले सर्कल के लिए एक क्या ड्रॉ करूंगा मैं, टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इसी पी पॉइंट में बोल देता हूँ, और दूसरे स्फीयर पे भी मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो इसको मान लिया कि मैंने ये ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, ये सपोज इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर क्या है C2, और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है D है, पहले का रेडियस कितना है R1 है, दूसरे का रेडियस क्या है R2 है। तो पहले तो समझ लीजिए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स क्या होता है। देखिए कभी भी दो स्फीयर के बीच में एंगल नहीं बनता है, जो इसका जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं कोई कॉमन पॉइंट तो होगा ना, मान लीजिए कॉमन पॉइंट क्या है पी है, तो इस पी पे हम लोग क्या करेंगे ना, पहले स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे, दूसरे स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे, और जो दोनों टेंजेंट प्लेन होंगे ना इनके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स, ठीक है। तो एंगल ऑफ टू स्फीयर्स मींस एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन ड्रॉन एट द कॉमन पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे दोनों स्फीयर के लिए हम लोग टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करें तो उन प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स, ठीक। तो इस फिगर के अनुसार अगर मान लिया कि दो स्फीयर आपको दिए हुए हैं, दो स्फीयर का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर दोनों का रेडियस पता होगा, सेंटर पता होगा, तो सेंटर पता होगा और रेडियस पता होगा, तो उन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए फार्मूला दिया जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1R2, ठीक है, 2R1R2। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। R1 आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपको दोनों स्फीयर के इक्वेशन दिए होंगे तो R1 R2 वहाँ से निकल जाएगा। D कैसे निकलेगा, अगर आपको सेंटर पता है C1 और C2 तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के D निकाल देंगे, सेंटर के बीच का डिस्टेंस अपन 2R1R2 कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दो स्फीयर के बीच का क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ होता है, व्हेन टू स्फीयर्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, when two spheres intersect at 90 degree, they are said to intersect orthogonally, ठीक है, they are said to intersect orthogonally, ठीक है। ये ऑर्थोगोनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आगे मैं बताऊंगा आपको। क्या देखा कि ये दोनों दो स्फीयर्स हैं, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली तो वहां पे एक अननोन दे देगा, पूछेगा उसकी वैल्यू के की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, आप कह रहे हैं कि दोनों स्फीयर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर वाले फार्मूले में अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर दें तो वहां से हमको इक्वेशन क्या मिलने वाला है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो ये कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। आप चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, ठीक है, ये हो गया हमको। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए अगर आपको सपोज मैं स्फीयर्स का इक्वेशन दे देता हूँ, ठीक है, लेट द टू स्फीयर्स बी, सपोज दो स्फीयर का इक्वेशन मैं अगर आपको दे दूँ, लेट द टू स्फीयर्स बी, पहले स्फीयर का इक्वेशन मैं दे देता हूँ X² + Y² + Z² + 2U1X + 2V1Y + 2W1Z + D1 = 0, और दूसरा मैं अगर आपको दे दूँ स्फीयर X² + Y² + Z² + 2U2X + 2V2Y + 2W2Z + D2 = 0,
ये दो स्पीयर का अगर मैं इक्वेशन दे दूं, ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पे कह दिया जाए कि ये दोनों स्पीयर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो कंडीशन आपको बताना है, ठीक है। इफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन, इफ स्पीयर्स वन एंड टू, इफ स्पीयर्स वन एंड टू कट ऑर्थोगोनली, तो कंडीशन क्या होती है। कंडीशन यहाँ से उसी ऊपर वाले फार्मूले से निकाली जाती है जहाँ पे आपने लिखा था आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, वहीं से इसको डिराइव किया जा सकता है। यहाँ पर कंडीशन क्या मिलता है, ट्वाइस यू वन यू टू प्लस ट्वाइस वी वन वी टू प्लस ट्वाइस डब्लू वन डब्लू टू, ट्वाइस डब्लू वन डब्लू टू इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू, ठीक है, इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू। तो ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप डेरिवेशन के मतलब उस समय एग्जाम में अगर आप डेरिवेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसको एज अ फार्मूला आपको जो है लर्न करना पड़ेगा कि इफ टू स्पीयर्स वन एंड टू इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली देन कंडीशन विल बी व्हाट, ट्वाइस यू वन यू टू प्लस ट्वाइस बी वन बी टू प्लस ट्वाइस डब्लू वन डब्लू टू इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू। आइए देखते हैं कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन टू स्पीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस टू जेड प्लस एट इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस फोर जेड प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो इज वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, ऑप्शन है आपका पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर, पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर, फाइव बाय सिक्स, और लास्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी है वो है फाइव बाय टू, ठीक है। तो देखिए अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि अगर आपको निकालना है दो स्पीयर के बीच का आपको एंगल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि सी वन, सी वन इज इक्वल इसका सेंटर, पहले का सेंटर निकाल लेते हैं। तो पहले का सेंटर आपका आएगा जीरो कमा माइनस थ्री कमा माइनस वन। मैंने सेंटर और रेडियस स्पीयर का निकालना फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है, आप अगर उसको नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना मैं सेंटर डायरेक्ट लिख रहा हूं तो आपको अगर नहीं देखा होगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। दूसरे स्पीयर का सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे स्पीयर का जो सेंटर होगा वो कितना होगा, माइनस थ्री कमा माइनस फोर कॉमा माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और पहले के रेडियस की बात करें तो रेडियस का फार्मूला आपको मालूम ही होता है, क्या होता है, अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। इसमें वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें तो पहले का जो रेडियस है हमारा वो कितना आ जाएगा, तो इसमें देखिए वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें तो जो हमारा आर वन है, हमारा आर वन आ जाएगा नाइन प्लस वन माइनस एट, नाइन प्लस वन माइनस एट, ये कितना आ जाएगा हमारा रूट टू आ जाएगा रेडियस। और दूसरे के रेडियस की अगर हम लोग बात करें, दूसरे स्पीयर का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस फोर, नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस फोर माइनस ट्वेंटी, तो जो दूसरे का रेडियस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में नाइन विच इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब देखिए आप फार्मूले का आप याद करिए कि अगर दो स्पीयर के बीच का आपको क्या निकालना था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, ये सी वन था, ये सी टू था, और ये पॉइंट पी था, ये हमारा आर वन, ये आर टू, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना था, डी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं सी वन सी टू, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू नाइन प्लस वन प्लस वन, नाइन प्लस वन प्लस वन, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस वन कितना आ जाएगा, इलेवन आ जाएगा। और फार्मूला हमारे पास कितना था, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर वन आर टू, ट्वाइस आर वन आर टू। इसमें वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर कितना मिल जाएगा, टू प्लस आर टू स्क्वायर कितना मिल जाएगा, नाइन, और माइनस डी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, इलेवन। अपॉन नीचे तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि ऊपर के इलेवन माइनस इलेवन कितना होगा, जीरो, और कॉस थीटा जब जीरो होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, मतलब हमारा दोनों स्पीयर के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टू स्पीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो कट ऑर्थोगोनली, देखिए ऑर्थोगोनली वर्ड आ गया यहाँ पे, देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वाट। तो ऊपर मैंने एक कंडीशन लिखाया था कि जनरल कंडीशन, अगर जनरल इक्वेशन आपको स्पीयर का दिए हुए हों तो उनके ऑर्थोगोनली कट करने का कंडीशन क्या होता है, ट्वाइस यू वन यू टू प्लस ट्वाइस वी वन वी टू प्लस ट्वाइस डब्लू वन डब्लू टू, ट्वाइस डब्लू वन डब्लू टू इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू, ठीक है, ये कंडीशन हमने लिखा था। चलिए हम लोग वैल्यूज को देखते हैं, यू वन क्या है, यू वन क्या है, एक्स कोफिशियंट का हाफ, तो यहाँ पर कितना है, टू बाई टू करेंगे कितना मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, ठीक है, यू वन मिल गया। वी वन क्या है, वाई के कोफिशियंट का हाफ, तो पहले स्पीयर में तो वाई का कोफिशियंट है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, जीरो। डब्लू वन क्या है हमारा, जेड के कोफिशियंट का हाफ, तो पहले स्पीयर में तो जेड है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी हमारा, डी वन क्या हो जाएगा, पहले स्पीयर में कॉन्स्टेंट टर्म जो कि कितना है, प्लस वन है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें
यू टू इज इक्वल टू, तो यू टू इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, ए बाई टू, मतलब एक्स कोफिशियंट का हाफ, दूसरे इक्वेशन में एक्स कोफिशियंट का हाफ। इसी तरीके से वी टू हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डब्लू टू हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डी टू हमारा कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को ऊपर अगर हम लोग पुट करें तो देखिए ट्वाइस यू वन यू टू मतलब ट्वाइस इंटू वन इंटू ए बाई टू, और आगे तो सभी जीरो हो जाएंगे, ट्वाइस बी वन बी टू जीरो हो जाएगा, ट्वाइस डब्लू वन डब्लू टू जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा। तो यहाँ से टू टू कट जाएगा और ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, ओके।